दोपहर 10 की देश की बड़ी 10 सुर्खियां। राहुल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। बैठक में युवा कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पारित। यूपी के बाद अब दिल्ली में बढ़ा डेंगू का कहर। अब तक 100 से ज्यादा केस दर्ज। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का डीएसपी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी। मोदी सरकार ने विज्ञापन पर 3 साल में खर्च किए 2000 करोड़ से भी ज्यादा रूपए। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने साल 2018, 19, 20 और 21 में कुल मिलाकर 2299.9 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। इन 3 सालों में सबसे ज्यादा पैसा साल 2018-19 में खर्च किया गया है, जो कि 1182.17 करोड़ है। वहीं साल 2019-20 में 708.18 करोड़ और 2020-21 में 409.55 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें साल 2020-21 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 71.70 करोड़, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने 61.79 करोड़, वित्त विभाग ने 43.13 करोड़ और शिक्षा मंत्रालय ने 31.14 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किया है। पंजश्री में अज्ञात सैन्य विमान ने तालिबान के ठिकाने पर किए हमले। बड़ा मंदिर का गर्भगृह 2023 में बनकर होगा तैयार। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद पांडे ने दी जानकारी। कोरोना के नए मामले में फिर बड़ी गिरावट। 24 घंटे में दर्ज हुए 21,000 नए केस। नागपुर में तीसरी लहर का आतंक। नितिन रावत बोले जल्द होगा पाबंदियों का ऐलान। गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस पर हादसे में 5 लोगों की मौत। कार ट्रक की हुई टक्कर। हरियाणा किसान महापंचायत के पहले सस्पेंड हुए इंटरनेट सेवाएं।